दिमाग खराब हो गया है बच्चा। बच्चा नहीं है वो, कुछ और हो गया है। क्यों? लैट्रिन करे तो रोए, सूसू करे तो रोए, पैजामा पहनाओ तब रोए, सोचाओ तब रोए, खाना खिलाओ तब रोए, कपड़ा पहनाओ तब रोए, मालिश करो तब रो ना। लगाए तो। अरे हे भगवान, उसका रोना कब बंद होता है? सोता है तब भी रोता है, सो के बच्चा उठता है। है तब भी रोता हाँ, है। तब भी रोता है, दिन रात रोता है। हम तो थक गए उसके रोना सुन सुन के, कभी तो हंसे। अच्छा तो ये कैसे लगाई अपने होंठ में बगल अगल क्या लगा है? हनुमान जी बनी हो? मुझे खुद नहीं पता, बच्चे के चक्कर में सब इधर उधर हो जाते हैं। हालत खराब हो गई है तुम्हारी अरे तो। 10 मिनट में दौड़ा दौड़ो 10 बार हमको दौड़ा चुका है। लैट्रिन किया, फिर इसके बाद उसके लिए पानी लेने गए अलग से, फिर उसको पोछने के लिए, लैट्रिन साफ करने के लिए अलग से गए, फिर आए तो फिर पैजामा लेके गए अलग से। 3 बार तो इसी में हमारा चला गया था। आप है तुम करती क्या हो दिन रात? करती क्या हो? अरे यार मैं क्या बताऊं, मैं करती क्या हूँ? 3 बार तो इसी में दौड़ दौड़ के जा रही। मेरे हाथ पैर नहीं है, कोई मशीन है या हम रोबोट बन गए? दिन भर उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। 10 बार तो उसके पीछे जाना पड़ता है, कहीं पानी लेके जाओ तो कभी खाना लेके पूरे जाओ तो दिन में कभी बस कुछ। 10 बार? 10 बार एक बार में दौड़ना पड़ता है। 3 बार तो हम मतलब लैट्रिन में दौड़ जैसे पाते एक हैं। बार लैट्रिन करे तो 10 बार दौड़ना पड़ता है ये? हाँ, अब 3 बार बता दिए ना। लैट्रिन किया तो पोछने के लिए गए, फिर शौचाने के लिए पानी ले गए, फिर उसको कपड़ा बनाने के लिए ले गए पैजामा, फिर उसको देखे तो क्या कर रहे, भूखा उखन हो जाए, खाना उन्हें लेके जाए खिला दे, हक दिया तो खाना खिला दे। ये ब्लॉग तो एकदम रियलिटी में बन गया, जैसे बोला जाता है घर में उसी प्रकार से। और बाकी ब्लॉग ऐसे होना और ऐसे चाहिए। सही बात है, माँ माँ नहीं होती है बल्कि रोबोट होती है। बच्चे तो संभालती, पति को भी संभालना पड़ता है। उन भी कहते हैं तुम करती क्या हो, तो हम भी सोचते रहते सही बात है, हम करते क्या है भाई, इतना थक जाते हैं। आप बताइए हम क्या करते हैं? चलो हमारा पैर दबा दो फिर। ये तो जले में नमक हो गया, इतना सारा नमक, इतना लग रहा पैर काटने का विचार है इसका। गला काट देंगे आपको। हाय राम राम, ठीक है, हद्दी हो गई। लेकिन ये बात है, तारीफ करने लायक है तुम पत्नियों की, कि कितनी कुछ प्यारी। नहीं करने लायक है, बड़े आए वीडियो में बस पत्नी पत्नी करते हैं, रियल में कहेंगे तुम थकते थोड़ी ना हो, तुम कभी कैसे सकते, तुम्हें भगवान मजबूत। मैं तुम्हें इसलिए ऐसा कहता हूँ ना कि तुम थकती नहीं हो, जिससे तुम्हारे अंदर खूब ताकत रहे नहीं है मेरे अंदर ताकत और बनी रहे ताकत बराबर। मैं तुम्हें वो देता हूँ क्या, ताकत एक तरीके से और पावर एक वो शक्ति। अपने अंदर पावर ला दीजिए, यही उससे फ्री होते हैं तो इससे आते हैं, कहते पैर दबा दे बाद दबा दे वो पैर दबा दे, खाना ला जल्दी, भूख लगी 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 खाना, अरे जल्दी आ तैयार होके, वीडियो बनाने हैं वीडियो बना ले, अरे जिसमें कोई वो हूं, फटाफट 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 जैसे रोबोट जैसे करती रहो करती रहो। लगता तो नहीं बातों से गुस्सा आ रहा है। भूख लगती तो साला 1-2 बजे मुझे खाना मिलता है खाने को, तो वो तो नहीं, ये बातें हम भी यही करते हैं, हम भी 1-2 बज जाता है हमारा। हाँ, तो आप बच्चे संभालते, बच्चे संभालना बहुत कठिन काम है, तो बच्चे संभालो, खाना भी बनाओ, काम भी करो। बच्चा वो ऐसा बच्चा नहीं है कि हम ही अकेले संभालते, मम्मी आपको भी। एक दिन तुम हमारा काम करो और एक दिन हम तुम्हारा काम करें, बताओ मंजूर? मुझे नहीं मंजूर है। तुम कहा बनाती? देखो अभी भी मेरे हाथ में ही फोन है। हाँ तो भी तो मैं बना रहा हूँ, तुम तो अपनी सच्चाई उगल रही हो बार बार। इंसान सच्चाई उगल देता है। इंसान? तुम इंसान हो? नहीं, हम जानवर देते हैं। तभी तो काम इतना कर लेती हो। सोची खरा रहे थे लैट्रिन करने को, तब भी इतना जोर रोए, जिसके लगते का हो गया, अभी भी रो रहा है वैसे। पोछा नहीं, वो पोछा लगा रहा था, आया पोछा छीन रहा है, पोछा नहीं दिया, ऐसे लगा क्या हो गया भैया, कैसे रोने लगा इतना तेज, और थोड़ा बहुत नहीं रोता, बहुत भयंकर तेज से आवाज करके रोता है वो, अभी भी रो रहा है, आवाज आ रही होगी। अच्छा सुनो, ये गाइस सुनाई दिया होगा शायद आवाज, पिछवाड़े में क्रीम लग रही है ना। क्यों? मुंह में तो लगती नहीं, पिछवाड़े में ही क्रीम लगती है। क्यों क्यों उसको लग रही है? पता नहीं पिछवाड़े में उसके हुआ क्या है, समझ में नहीं। जो लाल लाल है, लाल लाल है कि कुछ है कि नहीं है, ऐसे रोता है तो ऐसा सोचते हैं सब कोई कि जैसे उसके पिछवाड़े में कुछ हो गया है।
बिल्कुल तुम्हारे जैसे, जैसे ऊंट है तुम्हारा वैसे उसका लाल हो गया क्या पिछवाड़ा? ओ लंगूर लंगूर है क्या उसका पिछवाड़ा लाल रहेगा। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं एंड किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसमें पता नहीं क्या क्या ये बोल डाल रही है, कोई भी भरोसा नहीं है और ज़्यादा चीज़ें पब्लिक नहीं कर सकते। देख रहे हो इसका मुंह कैसे हो रखा है, ऐसे मन कर रहा है ऐसे पकड़ के ऐसे दबा दूं ना तुम्हारी टुन। बोलो कुछ और, कुछ बच्चा हो सुनाने को सुना दो हमें भी। और सुनाते हैं वीडियो बंद होने के बाद, और ये मतलब कुछ लग रहा है सोच रही है अपने मन में पूरा भर रही है उसके बाद उगलना शुरू होगा है? यार झाड़ू लाएंगे, झाड़ू मतलब मुझे झाड़ू से मारोगी? नहीं बक्सा को पीटेंगे, गुस्सा अपना उतार। नहीं ये आइडिया है गाइस, ये देखो इशारा इशारा हम बता दी ना, ये देखो मुंह भी लग रहा है कि ऐसे ही करने वाली है। झाड़ू ला के बक्सा पीटेंगे, समझ पीटेंगे तो उल्टा मिलेगा ना, बक्सा को पीटेंगे तो उल्टा नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन भड़ास निकल जाएगी, हम जैसे तुम्हें अभी पीट दे तो अमेठी बना देंगे, अमेठी बटा बल्टी बन के घूमेंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग एंड करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा। तो गाइस कैसे रोता है ये देखो, राधा पहना रही है पैंट। पैजामा पहने में रोता है, कंघी करो तो भी रोता है, काजल लगाओ तो रोता है, मालिश करो तो रोता है, ये देखिए रोता है। ऐसे हो रोता है जैसे किसी ने मारा है। चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो, कहाँ जाओगे, जा चले जा, भाग गए ऐसे, निकल जा। बस अब घूमने में ज्यादा यकीन करता है ये।